आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं HFCL स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में देखेंगे जिस प्रकार से 5G के इम्प्लीमेंटेशन की बात करी गई है, जिस प्रकार से हमने देखा कि 5G की न्यूज ट्रेंड हुई है, उस समय से इस स्टॉक के ट्रेंड काफी बदले बदले दिख रहे हैं। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज ट्रेंड होते हुए दिखी है कि HFCL रेज कर रहा है अराउंड 760 करोड़ के फंड को, जिससे कि इसका स्पेंड जो ये करेगी R&D एंड एक्सपेंशन के ऊपर ये खर्चा करने जा रही है। और जिसके बाद देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में अराउंड 4% तक की तेजी दिखी है। रिसेंट में अपने पेड ग्रुप के क्लाइंट को हमने अराउंड 68-70 के आसपास के स्ट्रांगली बाइंग के लिए रिकमेंड करा है, जहां इस समय स्टॉप लॉस देखे तो 66 के नीचे के स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। शॉर्ट टर्म पहला टारगेट इस स्टॉक में 84-86 तक के दिखेंगे, और जो दूसरा टारगेट विद इन मैक्सिमम 3 मंथ के ड्यूरेशन में देखें तो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में 96-110 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। अगर इस स्टॉक को आप मोर देन 2 ईयर के लिए होल्ड करते हैं तो 200+ तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है, जहां इस स्टॉक में स्टॉप लॉस जो फॉलो करना है वो 55 के नीचे के स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडिंग वाले 65 के नीचे KSL को लगा करके पहला इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट 84 जो कि विद इन मैक्सिमम 7-15 डेज के ड्यूरेशन, और नेक्स्ट टारगेट 96-105-110 तक के मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर दिखने वाला।